ये वीडियो आपके प्रजनन तंत्र चैप्टर से संबंधित है, यानी कि जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, इससे संबंधित होने वाला है। दोस्तों बात करेंगे कि प्रजनन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्रजनन क्या है, तो यहाँ पर समझेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो हर जीव के अंदर अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। विश्व के सारे जीव अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं प्रजनन। और वे अंग जो ये काम करने में हमारी सहायता करते हैं उन्हें बोला जाता है प्रजनन तंत्र। इस तरीके से अब अगर समझें कि प्रजनन के अंतर्गत कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, किस जंतु में किस टाइप का प्रजनन पाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं, यानी कि अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही प्रजनन कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि वे अंग जो ये काम करने में हमारी सहायता करते हैं उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है प्रजनन तंत्र। तो हमारे शरीर के वे अंग, लिखें हमारे शरीर के वे अंग जो प्रजनन में सहायता करते हैं उसे सामूहिक रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपनी ही जैसे संतान को उत्पन्न करेगा उसे प्रजनन कहेंगे, और हमारे शरीर के वे अंग जो ये काम करने में हमारी सहायता करेंगे उसे सामूहिक रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ अलग जानकारी पूछी जाती है एग्जाम में कभी कभी। जैसे वे कोशिकाएं जो प्रजनन में सहायक होती हैं उन कोशिकाओं का नाम क्या है, तो उन कोशिकाओं को युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि वे कोशिकाएं जो प्रजनन में भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेने का मतलब ये मत समझे भाग जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें
युग्मक कोशिकाएं इंग्लिश में गैमेट सेल कहा जाता है। तो वे कोशिकाएं जो प्रजनन में भाग लेती हैं उन्हें युग्मक कोशिकाएं कहती हैं। अब प्रश्न ये है कि युग्मक कोशिकाएं क्या है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया है, या अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पेज चेंज करने चल रहा हूं मैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज कि युग्मक कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है या युग्मक कोशिकाएं हैं क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए युग्मक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका, यहां पर ये, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है मदर सेल। मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। अब ये पॉइंट आपने जो लिखा है, मुझे लगता है कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि युग्मक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है, हाफ होती है। अब यह है क्या, इसको कैसे समझें, तो यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह है माता और यह है पिता, यही लोग तो रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं में प्रजनन होगा तो संतान की उत्पत्ति होगी। माता में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 है और पिता में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अब इसमें एक विभाजन होता है, इनकी कोशिकाओं में एक विभाजन होता है और उस विभाजन का नाम है अर्ध सूत्री विभाजन, इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन। तो अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो इसमें युग्मक बनेगा, परिणाम स्वरूप माता से जो बनता है उसे बोला जाता है मादा युग्मक और पिता से जो बनता है उसे बोला जाता है नर युग्मक। माता युग्मक को अंडाणु कहते हैं, इंग्लिश में ओवा कहा जाता है, और नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। तो मैंने बोला कि युग्मक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका का मतलब जिस कोशिका से उनका निर्माण हुआ है, माता से मादा युग्मक, पिता से नर युग्मक। तो जो मादा युग्मक है उसका नाम अंडाणु है, जो नर युग्मक है उसका नाम शुक्राणु है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी इसमें जब 46 तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23, याद रखेगा। ये है 23, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है, ये पॉइंट याद रखेगा।
अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आगे की कंटेंट को पढ़ने में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। युग्मक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। और जब आपसे सवाल पूछा जाए कि युग्मक कोशिकाओं का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है, तब आप वहां पर लिखेगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। माता में गुणसूत्रों की संख्या 46, पिता में गुणसूत्रों की संख्या 46, माता से मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहती हैं, पिता से नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहती हैं, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23-23 होती है, यानी कि 23 और 23। और जब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो इसी को बोला जाता है निषेचन। और ये अंडाणु जब शुक्राणु आपस में मिलेगा तो ये 23+23 टोटल कितना हो जाता है, 46। और फिर यही जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसमें ये 46 गुणसूत्र वाली संरचना उपस्थित हो जाती है। तो नेक्स्ट पेज में आपको यही देखना है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आप रखे रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पहले पेज में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, इसमें मैंने बोला था कि वे अंग जो प्रजनन में भाग लेते हैं उन्हें सामूहिक रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें, अंगों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो अंग हैं यानी कि जो प्रजनन तंत्र है, इसे दो भागों में बांटा गया है। मानव का प्रजनन तंत्र जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है नर प्रजनन तंत्र और दूसरा है मादा प्रजनन तंत्र। ये जो नर प्रजनन तंत्र है ये दो भागों में इसे भी बांटा गया है। एक है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। उसी प्रकार से जो मादा वाला है ये भी दो प्रकार का होता है। मादा वाले को मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, तो क्या ये आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है अच्छे से? एक सेकंड मैं कैमरे में आकर चेक करता हूँ कि ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखे, ये भी दो प्रकार का है। एक है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। चलिए एक काम करते हैं कि पहले हम नर वाले को यहाँ पर लिख लेते हैं और मादा वाले को अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही इसको रखे रहिए। मादा प्रजनन तंत्र को हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेंगे ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये जो प्राथमिक नर का जो प्राथमिक जनन अंग होता है ये केवल एक होता है जिसे बोला जाता है वृषण, इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। और ये एक पेयर होता है, यानी इसकी संख्या कितनी होती है, दो, याद रखिएगा। एक पेयर यानी एक पेयर में दो होते हैं, तो टेस्टिस की संख्या दो होती है। अब बात करेंगे द्वितीयक जनन अंग कौन कौन सा है। तो द्वितीयक जनन अंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है शिश्न जिसे पेनिस कहते हैं, दूसरा है एपी डिडाइडिमिस, एपी डेडिडमिस कहा जाता है,
इंग्लिश में ही मैं ये सारे टर्म लिखूंगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगा। एपिडिडाइडमिस, तीसरा है काउपर्स ग्लैंड, चौथा है प्रोस्टेट ग्लैंड, पांचवा है वॉस डिफरेंस, और छठवां है सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल होता है। देखिए यहाँ पर वॉस डिफरेंस को बोला जाता है हिंदी में शुक्र वाहिनी, और सेमिनल वेसाइकिल को हिंदी में बोला जाता है शुक्राशय। नाम को सुनकर लग रहा है वॉस डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जो होता है वो शुक्राणुओं का संवहन करता है, शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, शुक्राणुओं का वहन करता है। और सेमिनल वेसाइकिल जिसे शुक्राशय कहते हैं, यहां पर शुक्राणु आकर के इकट्ठा रहते हैं। वॉस डिफरेंस शुक्राणुओं को ढोने का काम करता है और सेमिनल वेसाइकिल में शुक्राणु इकट्ठा रहते हैं। और ये जो काउपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये प्रजनन में सहायता करते हैं, या यूं मैं कह दूं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में सहायता करते हैं। सहायता कैसे करते हैं कि काउपर्स ग्लैंड जो होता है वो एक प्रकार के मिल्की वाइट सब्सटेंस का निर्माण करता है। काउपर्स ग्लैंड मिल्की वाइट यानी कि दूध के रंग के सफ़ेद पदार्थ का निर्माण करता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी कि संभोग के दौरान योनि यानी कि वेजाइना को चिकना बनाता है ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से स्थापित हो सके, एस्टेब्लिश हो सके। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस चैप्टर में आपको ये वृषण यानी कि टेस्टिस। तो उम्मीद है कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसी को मैं आगे नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बात करूँगा, फिर आपको वृषण के बारे में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर ये पॉइंट्स आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए वॉस डिफरेंस, ये है वॉस डिफरेंस जिसे शुक्रवाहिनी कहती हैं, ये शुक्राणुओं का संवहन करता है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये शुक्राणुओं का संवहन करता है। और शुक्राशय, शुक्राशय में शुक्राणु संग्रहित होते हैं, यहाँ पर शुक्राणु जो होते हैं वो संग्रहित होकर के रखे होते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहीं से इजेकुलेट होते हैं, यहीं से शुक्राणु जो होते हैं वो स्खलित होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज आने वाला है, स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में मादा जनन अंग के बारे में बात करूँगा। तो ये जो मादा जनन अंग होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग। जो प्राथमिक जनन अंग होता है ये
एक होता है जिसे अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं, और इसकी भी संख्या वन पेयर होती है, एक जोड़ी होती है, यानी इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। और जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं, इसमें पहला है गर्भाशय यानी कि यूटेरस, दूसरा है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन साइंटिस्ट का नाम है, फैलोपियन नलिका की खोज फैलोपियन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और तीसरा है योनि जिसे विजाइना कहा जाता है। तो ये मादा जनन अंग है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर मैं अंडाशय और ओवरी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला ये है वृषण जो कि पुरुषों में है, तो लिखे वृषण यानी कि टेस्टिस। यह पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग है। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर होता है, ये पॉइंट समझिएगा। मैंने बोला कि पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर होता है, आपको पता ही है कि वृषण जो होता है वो शरीर से बाहर दोनों जांघों के बीच में लटकता रहता है। तो ये जो वृषण है, इस वृषण को शरीर से बाहर रखा गया, ये शरीर के अंदर नहीं, जैसे लीवर किडनी ये सब बॉडी के अंदर है, हृदय बॉडी के अंदर है, लेकिन वृषण यानी कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर है। रीजन क्या है? कारण ये है कि वृषण यानी कि टेस्टिस का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणुओं का निर्माण 33 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो अगर ये वृषण टेस्टिस के अंदर यानी वृषण अगर बॉडी के अंदर होता तो इसका भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता, तो शुक्राणुओं का निर्माण ना हो पाता, इसीलिए वृषण को बाहर रखा गया है। और ये बाहर रहने के कारण ये शुक्राणुओं का निर्माण कर पाता है, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान जरूरी है वो शरीर के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो उसी में ऐसे लिखे क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाता है कि वृषण शरीर के बाहर होता है क्यों? तो वृषण शरीर के बाहर होता है क्योंकि इसका तापमान यानी कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस कम होना भी चाहिए क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 33 डिग्री तापमान ज़रूरी होता है।
न कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा नर हार्मोन का निर्माण करना होता है। तो वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा नर हार्मोन का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृषण का निर्माण लगभग 500 मिलियन नलिकाओं से होता है जिसे शुक्र जनन नलिका सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, कुल यहाँ पर आपको 4 पॉइंट बताए गए हैं, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट आपको बताया गया कि यह पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग है। दूसरा पॉइंट, पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर होता है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल तापमान शरीर के तापमान से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। फिर वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं तथा नर हार्मोन का निर्माण करना, और जो वृषण है इसका निर्माण लगभग 500 मिलियन नलिकाओं से होता है जिसे शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन यानी कि शुक्र का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना यानी कि इन्हीं नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्हीं नलिकाओं शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन नलिकाओं के बीच में यानी कि जो 500 मिलियन नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं के बीच में जर्म कोशिका या सर्टोली साइंटिस्ट का नाम है, सर्टोली कोशिका सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, अंडाशय यानी कि ओवरी,